माय नेम इज़ अरूबा खान एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी करंटली परसुंग माय डिग्री इन बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड माय टॉपिक इज़ यूनाइटेड नेशंस रोल इन फ़लस्ती एंड इसराइल इशू जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त गाजा की क्या सूरत हाल है बिजली पानी सब बंद करा जा चुका है वहाँ का इसराइली एयर स्ट्राइक मुसलसल फलस्तीन को टारगेट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो वहाँ शेल्टर्स लगाए थे वहाँ भी सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर को पानी ख़त्म हो चुका है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यू एन आर ए ने फिफ्टी ऑफ अक्टूबर को कहा कि यहाँ गाजा में उन्हें एक अनप्रेसिडेंट ह्यूमन कैटेस्ट्रोफ देखने को मिल रही है एक सर्जन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हॉस्पिटल्स वहाँ के तबाह हो चुके हैं फ्यूल ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से उनको पेशेंट्स को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है और पेशेंट्स मुसलसल मर रहे हैं अगर हम आगे चल के थोड़ा सा गाजा की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो गाजा एक बहुत छोटी सी जगह है जो कि 365 सिक्सटी स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है इतनी छोटी सी जगह है कि यहाँ 23 थ्री लैक्स पीपल की पॉपुलेशन है सेवन ऑफ अक्टूबर को हम्मा ने इसराइल पे एक हमला करा था जिसकी वजह से वॉर शुरू हो गई लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इसराइल गाजा पर मुसलसल हमले किए जा रहा है जिसमें ना सिर्फ हम्मा के लोग बल्कि फ़लस्तीन के सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं और अगर हम बात करें कि अगर ये फलसतीन रिफ्यूज़ीज़ जो है हिजत कर जाएं वहां से या मूव कर जाएं या माइग्रेट कर जाएं तो इसराइल ने उनका वो रास्ता भी बंद कर दिया है यहाँ तक कि जो इजिप्ट जाने का रास्ता था उन्होंने वहां पे भी बमबारी वहां मुसलसल मु, मु, कर रहे हैं ताकि वहां से गाजा के कोई भी रेफ्यूजीज ना जा पाए और तो और अगर वो बमबारी ना भी करें वहां भी तो इजिप्ट के ए, इजप्ट के लोगों ने वहाँ का भी बॉर्डर बंद करा हुआ है और वो किसी भी फ़लस्तीन रिफ्यूजी को वहाँ एंटर होने नहीं दे रहे और उनका कहना ये है कि फ़लस्तीन रिफ्यूजी फ़लस्तीन के पास एक अपना उनका शहर है और वो वहीं उनको वहीं रहना चाहिए वो अपने लिए खुद फाइट करें वो किसी के लिए बॉर्डर नहीं खोलेंगे अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इंटरनेट के मुताबिक जब से यूनाइटेड नेशंस वजूद में आया है जब से वो काफ़ी काम कर रहा है इसराइल एंड फ़लस्तीन के इशू को ले यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स भी सेट किए हैं इसराइल एंड फ़लस्तीन के इशू के लिए जैसे कि कॉल्स फॉर सीज कॉल्स फॉर सीज फायर डिप्लोमेसी एंड मेडिएशन पीस कीपिंग एंड ऑब्जर्विंग मिशन एंड ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट जैसे कि एड प्रोवाइड करना अफेक्टेड पॉपुलेशन को हम आगे चल के देखते हैं तो डायरेक्ट और डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कोइट uh, कर दिया है यूएन uh, के फेलियर्स की वजह से क्योंकि वो जेनोसाइड को नहीं रोक पा रहे तो रिज़ाइन करना क्या सॉल्यूशन है इस बार का क्या रिज़ाइन करने से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे और अगर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ही नहीं हो सकते तो उन्हें ऐसी पोजीशंस दी ही क्यों गई हैं इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस फेल हो चुका है अपना काम पूरा करने में क्या ये वॉर बढ़ती ही जाएगी अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें सच में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर यूनाइटेड नेशंस का रोल है क्या क्योंकि जो मेन रीज़न था यूनाइटेड नेशंस के बनने का वो यही था कि जो है फ्यूचर में वॉर प्रिवेंट्स हो सके लेकिन अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में इसराइल और फलस्तान की जंग बढ़ती ही जा रही है जिसमें यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं है और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जो है वो आ, ये सारी जंग रोक नहीं सकते अगर आप जंग नहीं रोक सकते तो आप इस पोजिशन में है क्यों पहले तो हमें ये सोचना चाहिए दूसरी बात यूनाइटेड नेशंस को अपना जो रोल है वो पूरा करना चाहिए कि वो उसको इस, इसराइल को सीज़ फायर करने का आखिरी ऑप्शन दे कि अगर सी, इसराइल सीज़ फायर नहीं कर रहा है वो यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुन रहा है तो यूनाइटेड नेशंस की पावर जो इतनी हैं वो किस काम की हैं कोई यूनाइटेड नेशंस की बात को क्यों नहीं सुन रहा है क्यों उस पर क्यों यूनाइटेड नेशंस की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है अगर यूनाइटेड नेशंस की बात को इसी तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी तो ये वॉर बढ़ती चली जाएगी और फिर ये वही एंड में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो आखिर में क्वेश्चन मार्क वहीं आके हमारा रुक जाता है कि व्हाट इज़ रियली द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जब वो कुछ कर ही नहीं सकती है और वो कुछ कर ही नहीं रही है अभी तक